हेलो स्टूडेंट, मैं दीप प्रकाश, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री। तो आज मैं यहाँ पे आपको बीएससी फर्स्ट ईयर का आयनाइजेशन एनर्जी टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, जो एक प्रेडिक्टेबल है, उससे रिलेटेड है। जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसकी डेफिनेशन लिखने से पहले मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाऊंगा। जैसे कोई भी एटम है, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ लिथियम, एटमिक नंबर 3, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो 1s2 और 2s1 होगा। टोटल इस में 3 इलेक्ट्रॉन हैं। अगर इसको मैं डायग्राम ही बना के समझाऊं, तो इसके पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और बाहरी सेल आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब मुझे इस इलेक्ट्रॉन को बाहर रिमूव करना है, तो ये इलेक्ट्रॉन कब रिमूव होगा? जब मैं बाहर से यहाँ इस इलेक्ट्रॉन को एक एनर्जी दूंगा। जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एक एनर्जी मिलेगी और ये रिमूव ये इलेक्ट्रॉन इस एटम से बाहर रिमूव हो जाएगा, तो इसी एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या जाएगी कि किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम के आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है, उसी एनर्जी को बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब ये आइसोलेटेड गैसियस एटम क्या है, इसके लिए एक कंडीशन होती है कि एटम किसी भी मॉलिक्यूल के फॉर्म में नहीं होना। जैसे मॉलिक्यूल का मतलब H2, यहाँ पे 2 एटम है, H1 और H2, ठीक। तो उसको हमें सबसे पहले आइसोलेटेड का मतलब होता है कि सिंगल एटम के फॉर्म में लाना है। माना ये कोई सॉलिड एटम है, तो हमें सबसे पहले इसको गैसियस एटम में कन्वर्ट करना है। जैसे ये गैसियस एटम में कन्वर्ट हो गया है, तो हमें एक बाहर से एक एनर्जी यहाँ पे देनी पड़ेगी। जो एनर्जी क्या करेगा, इसके जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर रिमूव कर देगा। इसी एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। अब देखो, आयनाइजेशन एनर्जी कितने टाइप की हो सकती है। आयनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से हो सकती है। जैसे मैं किसी एटम के आउटर मोस्ट सेल से पहला इलेक्ट्रॉन को रिमूव करता हूँ। जैसे कोई एटम है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक। जैसे मैं पहली बार इसको एनर्जी देता हूँ, तो इसके आउटर मोस्ट सेल से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिमूव हो जाता है, ठीक। इसमें एक चार्ज आ जाएगा, इस एटम में एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है तो इसमें एक चार्ज आ जाएगा। इस एनर्जी को हम बोलेंगे, जो हम बाहर से दे रहे हैं, इसको बोलेंगे हम इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट। अब इसी एटम में हम दोबारा, जिसमें चार्ज आया है, एक और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे और बाहर से और एनर्जी देंगे। अब इस एनर्जी को हम बोलेंगे इसकी सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। अब इसमें 2 चार्ज आ जाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा, इसको हम इसे इंडिकेट करेंगे आयनाइजेशन एनर्जी सेकेंड। ऐसे ही इस एटम को हम जब एक और इलेक्ट्रॉन एनर्जी देंगे बाहर से, तो इसकी आउटर मोस्ट सेल से एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर रिमूव हो जाएगा। अब इसमें एक और चार्ज बढ़ जाएगा, अब इसको हम बोलेंगे इसकी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी। ऐसे ही जितने इलेक्ट्रॉन निकालते रहेंगे, जिस हिसाब से हम एनर्जी देते रहेंगे, उतने उस हिसाब से हम बोलेंगे इसकी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सो ऑन, ऐसे ऐसे एनर्जी बोलते रहेंगे। अब आयनाइजेशन एनर्जी को वेरी करने वाले कौन कौन से कारक, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करते हैं, ठीक। तो पहला जो फैक्टर है वो है साइज ऑफ एटम। दूसरा जो इफेक्ट है वो इफेक्ट है न्यूक्लियर चार्ज। दूसरा जो इफेक्ट है, जो आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करता है, वो है न्यूक्लियर चार्ज। तीसरा जो फैक्टर है जो आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करता है, वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट। और अगला जो फैक्टर है वो है, कोई भी एटम जब हाफ फिल्ड या फिर फुल फिल्ड होता है, उस केस में भी आयनाइजेशन एनर्जी इफेक्ट होती है। बहुत सारे फैक्टर हैं, अभी मैं इतने ही फैक्टरों को यहाँ पे एक बाय एक
डिस्क्राइब करूंगा। पहला देखते हैं साइज किस तरह से किसी भी एटम के आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करता है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दूंगा, लिथियम एटॉमिक नंबर 3, सोडियम एटॉमिक नंबर 11, ठीक। इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखूंगा 1s2 2s1। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s1। वैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 1s2 2s2 2p6 2p6 3s1। अब इस इन केस ऑफ लिथियम में हम देखते हैं कि यहाँ पे दो ही सेल मौजूद हैं। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाऊं तो लिथियम के पास टोटल दो सेल हैं। दो सेल में, पहले सेल में दो इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन, जबकि सोडियम के पास टोटल तीन सेल है। तो तीन सेल को मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, सोडियम पहले सेल में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में एक इलेक्ट्रॉन। अब सोडियम के पास नंबर ऑफ सेल ज्यादा होने के कारण इसका साइज जो है वो लिथियम के कंपेयर में ज्यादा है। लिथियम का साइज छोटा है और सोडियम का बड़ा है, क्योंकि लिथियम के पास दो ही ऑर्बिटल प्रेजेंट है, जबकि सोडियम के पास तीन ऑर्बिटल क्या है प्रेजेंट है। अब मैं जैसे यहाँ पे लिथियम के न्यूक्लियस में देखूंगा तो यहाँ पे इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो 3 है, ठीक, जबकि सोडियम का जो न्यूक्लियर चार्ज है वो 11 है, ठीक। अब यहाँ पे जो लिथियम के केस में जो इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, जबकि सोडियम के केस में जो उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होगा। तो जितना कोई भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा, न्यूक्लियस उसको उतना ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का ज्यादा अट्रैक्शन है, जबकि इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का कम अट्रैक्शन है। तो जैसे मैं बाहर से एक एनर्जी दूंगा तो इस यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम है, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ेगी, जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही न्यूक्लियस का अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम हो जाएगा। जबकि लिथियम के केस में न्यूक्लियस और उसके जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका डिस्टेंस कम है, वो आसानी से बाहर नहीं जाएगा। इसका मतलब इसको जो न्यूक्लियस है वो ज़्यादा टाइटली पकड़ेगा, जबकि सोडियम के केस में वो आसानी से उसको रिलीज कर देगा। इसका मतलब साइज, जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे जैसे साइज बढ़ेगा वैसे क्या होगा कि आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, ठीक। अब मैं दूसरे फैक्टर के बारे में बात करूंगा जो आयनाइजेशन एनर्जी को इफेक्ट करती है। दूसरा जो इफेक्ट है वो है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज भी इसी के सिमिलर है जैसे साइज का कॉन्सेप्ट था, कि जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतना ही वो किसी भी अपने आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन को उतना ही टाइटली पकड़ेगा। दूसरा जो इफेक्ट है न्यूक्लियर चार्ज, मैं यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज को शॉर्ट में लिख रहा हूँ। जैसे दो एटम है, कोई भी एटम है, माना मैं कहूँगा कि इसका न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे 10 है, इसके आउटर 11 है, इसके न्यूक्लियस में 11 न्यूक्लियर चार्ज है। दूसरा कोई एटम उसी के सिमिलर जहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज टोटल 9 है। अब यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज 9 है, यहाँ पे 10 है, 11 है, इसके आउटर में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर में एक इलेक्ट्रॉन है। इस इलेक्ट्रॉन पहले वाले जो पहला वाला एटम है, इस पहले वाले इलेक्ट्रॉन में यहाँ पे खींचने वाले, इसको पकड़ने वाले फोर्स लगाने वाले यहाँ पे 11 है, जबकि दूसरे वाले केस में इस केस में इस वाले इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले ओनली 9, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज जो है वो 9 है। इसका मतलब यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा होगा और इसको रिमूव करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, जबकि इस दूसरे वाले केस में यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज कम है, यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज कम है तो इस इलेक्ट्रॉन को कम होल्ड करेगा, मतलब आसानी से रिलीज करेगा, कम उस पर अपना अट्रैक्शन कम करेगा। तो हम जैसे इसको इस इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी देंगे तो ये आसानी से इसके कंपेयर में बाहर निकल जाएगा। इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज, जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतना किसी भी एटम का आयनाइजेशन एनर्जी उतनी ही बढ़ेगी, वो अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे उतना ही अट्रैक्शन दिखाएगा, ठीक। तो इसका मतलब जितना
न्यूक्लियर चार्ज, जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतना ही हमारी क्या होगी आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी। ठीक, अब तीसरा जो फैक्टर है जो आयनाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करती है, इफेक्ट करती है, वो फैक्टर है फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड सेल। तीसरा जो इफेक्ट है फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड, हाफ फिल्ड सेल, हाफ फुल फिल्ड और हाफ फिल्ड सेल। तो हमें पता है कि जैसे कि जहां पे फुल फिल्ड या फिर हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं किसी भी सेल में, वहां पे वो चीज स्टेबल होती है। किसी भी स्टेबल एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। मतलब इसका मतलब जहां पे हमें लगता है कि जहां पे ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आता है, या तो एलिमेंट हाफ फील्ड बड़ा हो या फिर एलिमेंट फुल फील्ड बड़ा होता है, वहां पे आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। जैसे एग्जांपल देता हूं, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9। इसका मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं बोरान का, तो 1s2, 2s2, 2p1। कार्बन का 1s2, 2s2, 2p2। ऐसी नाइट्रोजन का 1s2, 2s2, 2p3। ऐसी ऑक्सीजन का 1s2, 2s2, 2p4। ऐसे मैं फ्लोरीन का लिखता हूँ 1s2, 2s2, 2p5। ये इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब देखता हूँ कि अब मैं ये बताऊंगा कि जनरली जहाँ पे हाफ फील्ड या फुल फील्ड होगा उन एलिमेंट की एनर्जी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। यहाँ पे मैं ओनली वैलेंस सेल के, वैलेंस सेल का मतलब होता है जो आउटर मोस्ट वाला सेल होता है उसी को हम बोलते हैं वैलेंस सेल। वैलेंस सेल को ड्रॉ करूँगा, पहले वाले में एक ऐसे ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, तो मैं यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करूँगा, जबकि पी में इसके एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे मैं एक इलेक्ट्रॉन को ड्रॉ करूँगा। ऐसे यहाँ पे कार्बन का पहले से दूसरे सेल में 2s में दो इलेक्ट्रॉन है, 2p में भी दो इलेक्ट्रॉन, 1, 2। ठीक, ऐसे ही नाइट्रोजन के केस में दो इलेक्ट्रॉन, 2s में दो इलेक्ट्रॉन है जबकि 2p में तीन इलेक्ट्रॉन है, 2p में तीन इलेक्ट्रॉन है, जबकि ऑक्सीजन के केस में 2s2 में दो इलेक्ट्रॉन है जबकि 2p में चार इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3, 4। ऐसी फ्लोरीन के केस में दो इलेक्ट्रॉन दूसरे सेल में एस वाले में जबकि पांच इलेक्ट्रॉन पी में है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक, जहाँ भी ऐसा केस आता है किसी भी एस ऑर्बिटल के केस में, इसे हम बोलेंगे इम्पटी ऑर्बिटल। जब एक इलेक्ट्रॉन होगा इसको हम बोलेंगे हाफ फील्ड, जब दो इलेक्ट्रॉन होगा इसको बोलेंगे हम फुल फील्ड। जबकि पी ऑर्बिटल केस में जब ऐसा केस होगा इसको बोलेंगे लेस देन हाफ फील्ड। इस वाले केस को भी हम बोलेंगे लेस देन हाफ फील्ड, इस वाले केस को बोलेंगे हाफ फील्ड। तो जहाँ पे जिन एटमों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा, इसका मतलब ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। मतलब जो तीन इलेक्ट्रॉन है इनकी एनर्जी सिमिलर होती है तो स्टेबल होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मुश्किल होता है। जबकि जब चार इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको मिलेंगे मोर देन हाफ फील्ड, पांच इलेक्ट्रॉन होगा उस केस में मिलेंगे इसको मोर देन हाफ फील्ड, जब छह इलेक्ट्रॉन होंगे तो ऐसे केस को हम बोलेंगे ये फुल फील्ड केस बोलेंगे। तो जहाँ पे हाफ फील्ड या फुल फील्ड केस होगा वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। अब देखते हैं, हम यहाँ से कंपेयर करेंगे, एक ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, पीरियडिक टेबल में ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट है, हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे कि किसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा है, फ्लोरीन या फिर ऑक्सीजन की। तो हम सबसे पहले साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट लगा लें। तो फ्लोरीन का साइज ऑक्सीजन के कंपेयर में छोटा है और उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन के कंपेयर में ज़्यादा, दोनों चीज़ें फ्लोरीन ऑक्सीजन के कंपेयर में ज़्यादा शो कर रहे हैं। ठीक, इसका मतलब फ्लोरीन का जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो ऑक्सीजन के कंपेयर में
ज़्यादा होगी, क्योंकि एक तो फ्लोरीन का साइज ऑक्सीजन के कंपेयर में छोटा है, दूसरा फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ऑक्सीजन के कंपेयर में ज़्यादा है। अब हमें कंपेयर करूँगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में, ठीक। ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है वो इस टाइप से है, इसका मतलब ना ये हाफ फील्ड है ना ही फुल फील्ड है, जबकि नाइट्रोजन के केस में यहाँ पे ऐसा केस आ रहा है जो क्या है हाफ फील्ड है, तो हाफ फील्ड की एनर्जी ज़्यादा होती है, इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से कम होगी। यहाँ पे साइज का फैक्टर हम नहीं देखेंगे, यहाँ पे हम कौन सा फैक्टर डोमिनेंट हो जाएगा, हाफ फील्ड वाला फैक्टर डोमिनेंट हो जाएगा। तो फ्लोरीन के बाद आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, हो जाएगी नाइट्रोजन की। अब हम कार्बन और ऑक्सीजन के केस में इन दोनों में कंपेयर करेंगे, ठीक। तो इसका साइज बड़ा है, ऑक्सीजन का साइज छोटा है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइज जहाँ पे ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जहाँ पे ज़्यादा होगी या फिर साइज जहाँ पे छोटा होगा वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। इसका मतलब ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एनर्जी कार्बन से ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो कार्बन से हमेशा ज़्यादा होगी, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और साइज कम है। अब हम कंपेयर करेंगे बोरोन और कार्बन में कंपेयर करेंगे, ठीक। तो कार्बन और बोरोन के केस में क्या हो जाएगा, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरोन से ज़्यादा होती है, तो कार्बन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के कारण इसके जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो बोरोन से ज़्यादा होगी, बोरोन से ज़्यादा होगी। तो ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट था कि किस तरह से आयनाइजेशन एनर्जी को प्रभावित करते हैं। अब मैं अगला जो मेरा इस टॉपिक में जो बात करूंगा वो किस तरह से पीरियोडिक टेबल में वेरिएशन होता है आयनाइजेशन एनर्जी में, उस पर मैं बात करूंगा कि पीरियोडिक टेबल में आयनाइजेशन एनर्जी में किस तरह से वेरिएशन होता है। तो पीरियोडिक टेबल में हमें पता है इधर को लेफ्ट टू राइट एक ही जो हॉरिजेंटल लाइन होती है उसे बोलते हैं पीरियड, जबकि जो पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल लाइन होती है उसे बोलते हैं ग्रुप, ठीक। किसी भी पीरियड में, किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे नंबर ऑफ सेल बराबर होते हैं, तो नंबर ऑफ सेल बराबर है, जबकि इन टॉप टू बॉटम किसी भी ग्रुप में जाने पे नंबर ऑफ सेल क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। अब मैं बात करूंगा कि किस तरह से एक पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी वेरी करती है। पहले मैं बात करूंगा कि किसी भी पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी किस तरह से वेरी करती है। तो टॉपिक होगा वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन अ पीरियड। अभी मैं सेकेंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट हैं उनके मैं एग्जांपल लेने वाला हूँ, जैसे जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये सभी क्या हैं, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट हैं, ठीक। यहाँ पर नंबर ऑफ सेल सब में क्या है, दो हैं, इसमें भी दो सेल हैं, इसमें भी दो सेल, सभी में दो सेल हैं, ठीक। इसका मैं बनाऊँ पहला सेल और ये दूसरा सेल, तो सभी में नंबर ऑफ सेल इक्वल होते हैं किसी भी ग्रुप में, किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर, ठीक। बट जैसे मैं इस एलिमेंट से, जैसे लिथियम से बेरिलियम में जाऊँ, तो यहाँ पर एक न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, जितना न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतना वो अपने आउटर मोस्ट वाले ऑर्बिटल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज तीन है, जैसे मैं बेरिलियम में जाऊँ तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है, तो ये यहाँ पे खींचने वाले ज़्यादा बढ़ गए तो इसका साइज डिक्रीज हो जाएगा। जैसे मैं बेरिलियम से बोरोन में जाऊँगा तो यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज एक और बढ़ जाएगा और इस एटम का साइज को डिक्रीज कर देगा, मतलब अपनी ओर को खींच देगा। जैसे मैं बोरोन से कार्बन में जाऊँ वैसे क्या हो जाएगा कि एक और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाए, जैसे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ये अपने आउटर वाले सेल को खींच, अपने ओर को पुल करेगा, जिस कारण इसका साइज कम हो जाएगा। इसका मतलब किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे हमेशा साइज क्या होता है, साइज डिक्रीज होता है, तो जितना छोटा साइज होता है उतने ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसका मतलब जैसे मैं लिथियम टू फ्लोरिन जाऊँ तो यहाँ पर अट्रैक्शन कम, मतलब जो इसके आउटर मोस्ट वाला सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर है, जैसे मैं बाहर से एनर्जी दूं तो ये आसानी से बाहर चले जाएगा, जबकि न्यूक्लियस फ्लोरीन के केस में
इसका फ्लोरीन का साइज छोटे होने के कारण इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो इस न्यूक्लियस के करीब है, तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन इस सेल पे ज़्यादा होगा, जिस कारण ये इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर नहीं जाएगा। इसका मतलब किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने में हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है ड्यू टू साइज, क्योंकि साइज यहाँ पे क्या होता है घटते रहता है, जितना जो छोटा साइज होगा उतना ज़्यादा किसी भी एटम की आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। दूसरा वेरिएशन में अब ग्रुप में देखूंगा कि वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी इन अ ग्रुप, ग्रुप में किस प्रकार से ये वेरी करते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में जो भी वर्टिकल लाइनें होती है उनको हम ग्रुप बोलते हैं। एक ग्रुप में जैसे मैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, आगे भी बहुत सारे एलिमेंट हैं, अभी मैं इतने ही एलिमेंट का जिक्र यहाँ पे करूँगा। जैसे लिथियम का एटमिक नंबर 3, सोडियम का 11 और पोटेशियम का 19। ठीक, तो इस लिथियम के केस में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s1, इसमें एक सेल दो सेल, टोटल दो सेल है, एक और दो। ऐसी सोडियम का 1s2 2s2 2p6 3s1, जैसे हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं वैसे एक एक सेल क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। तो सोडियम के पास टोटल 3 सेल है, 1 2 3। तो जैसे मैं इस एटम से इस एटम में गया हूँ वैसे ही क्या हो गया, एक सेल इंक्रीज हो गया है, सेल इंक्रीज होने के कारण इसका वॉल्यूम बढ़ गया है, जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा तो इसका साइज भी बढ़ रहा है। जैसे मैं फिर सोडियम से पोटेशियम में जाऊँ तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। तो जैसे मैं सोडियम से पोटेशियम में गया हूँ तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल एक और इंक्रीज हो गया, तो पोटेशियम के पास टोटल 4 सेल हो गए हैं, 1 2 3 4। तो जैसे नंबर ऑफ सेल बढ़ा है वैसे वैसे साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे साइज इंक्रीज हो रहा है तो जो आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है, आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर हो रहा है। ठीक, इसका मतलब लिथियम के केस में जो आउटर मोस्ट वाला सेल इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है और इस न्यूक्लियस का इस इलेक्ट्रॉन पे ज़्यादा अट्रैक्शन है। जबकि मैं सोडियम की बात करूँ, सोडियम के केस में ये जो आउटर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से थोड़ी दूर हो गया है, जिसका मतलब इसका अट्रैक्शन अब इस इलेक्ट्रॉन पे कम है। जबकि और पोटेशियम के केस में क्या जाएगा कि जो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर हो गया है, तो इस इलेक्ट्रॉन पे इस न्यूक्लियस का अट्रैक्शन कम हो गया है। तो जितना ज़्यादा किसी भी इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम होगा तो उतनी आसानी से बाहर जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इस इलेक्ट्रॉन को मेरे को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। जबकि दूसरे वाले केस में, सोडियम के केस में, यहाँ पे ये डिस्टेंस बढ़ गई है तो यहाँ पे अट्रैक्शन कम हो गया है, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर चले जाएगा किसी कंपेयर में, लिथियम के कंपेयर में। जबकि इन केस ऑफ पोटेशियम के केस में जो उसका जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा दूर है, मतलब इसका अट्रैक्शन इस आउटर वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस पर कम है, और ये आसानी से इन दोनों के कंपेयर में आसानी से बाहर जाएगा। इसका मतलब जैसे हम किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो यहाँ पे एक एलिमेंट के बाद दूसरे एलिमेंट में जाने पे एक एक सेल इंक्रीज हो जाता है। जैसे जैसे सेल इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे उस एटम का साइज बढ़ रहा है, जितना एटम का साइज बढ़ेगा उसके आउटर वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो अट्रैक्शन वो कम हो जाएगा। इसका मतलब साइज जहाँ पे बढ़ेगा वहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी हमेशा क्या होगी, कम होगी। तो थैंक यू फॉर ऑल स्टूडेंट, ये मेरा आज का टॉपिक था, होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। थैंक यू।